इलेक्ट्रॉनिक होगा। ठीक है, इसमें मेरे पास कुछ और भी केसेस उसने पूछे हैं, जैसे आर्गन है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है, रुबिडियम पॉजिटिव है, तो ये सब आप खुद ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3.12 कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्पीशीज। अब कौन कौन सा लिया उसने, देखें, ही इज हैविंग नाइट्रोजन 3 नेगेटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, एफ नेगेटिव के बाद ही इज हैविंग Na पॉजिटिव, Ng2 पॉजिटिव एंड एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। अब पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉमन इन देम, तो कॉमन की जहां तक बात है तो देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आता है 7, लेकिन 3 नेगेटिव मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज 8 में कितने इलेक्ट्रॉन गेन करवाऊंगा मैं 2, क्यों, क्योंकि चार्ज इतना है 2 नेगेटिव, तो 8 + 2 वो भी कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन्स। F के पास कितना होता है 9, अभी बात की थी, तो F नेगेटिव में भी कितने है 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना है 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो 10, Mg में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दो तो भी 10। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13 में से कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं 10। अरे भाई, कॉमन पॉइंट इज ऑल दीज हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक इन नेचर। दोनों क्वेश्चन आ गया ना इंटररिलेटेड, सो ऑल दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक इन नेचर, व्हाई, बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक रेडियाई, कि आयनिक रेडियाई इंक्रीज कर रही है, इस ऑर्डर में आपको उन्हें क्या करना है, अरेंज करना है। तो देखें यहां पर हम क्या कहते हैं, यहां पर हम कहते हैं कि साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन साइज ऑफ इट्स पेरेंट। ठीक है, ऐसे ही हम कहते हैं साइज ऑफ एनायन इज लार्जर देन साइज ऑफ इट्स पेरेंट, कि कैटायन का साइज अपने पेरेंट से छोटा, एनायन का साइज अपने पेरेंट से बड़ा। अब इसमें भी हम कहते हैं कि कैटायन का चार्ज जितना ज्यादा होगा, हायर द चार्ज ऑन कैटायन इज स्मॉलर विल बी इट्स साइज, ये उतना छोटा होता जाएगा। ठीक है, एनायन के केस में हम कहेंगे हायर द चार्ज ऑन एनायन, अब यहां स्मॉलर की बजाय हम क्या कह देंगे, लार्जर विल बी, क्यों, लेट्स पुट अ क्वेश्चन मार्क बाय एग्जाम्पल, फिर से लेते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर इज 13 प्रोटॉन एंड 13 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन आपने क्या किया, माइनस किया, क्या बन गया एल्यूमिनियम पॉजिटिव। एल्यूमिनियम पॉजिटिव में प्रोटॉन तो अभी कितने हैं 13 है, प्रोटॉन्स आर स्टिल 13, बट इलेक्ट्रॉन्स आर 12 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही मेरे पास बच गया एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव। एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव में 13 प्रोटॉन एंड 11 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव की अगर बात करेंगे तो 13 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो ध्यान दो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डिक्रीजिंग, तो यहां 13 प्रोटॉन मिलके 13 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, जबकि यहां पर 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को, तो 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पावर से खींचेंगे या 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन को। आंसर इज सर 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को मिलके ज्यादा पावर से अपनी तरफ खींच सकते हैं। जब मिलके ज्यादा पावर से अपनी तरफ खींच सकते हैं तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा। ठीक है, तो मतलब जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता जाएगा कैटायन का साइज उतना छोटा होता जाएगा। लेकिन एनायन के केस में अगर मैं कहूं, जैसे मेरे पास है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 का मतलब है 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन। नाउ ऑक्सीजन नेगेटिव मतलब 8 प्रोटॉन बट 9 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही ऑक्सीजन 2 नेगेटिव का मतलब है 8 प्रोटॉन्स एंड देयर विल बी 10 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, द पॉइंट इज कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कीप ऑन इंक्रीजिंग, लगातार बढ़ रहे हैं। तो अगर प्रोटॉन का काम है इलेक्ट्रॉन को खींचना, तो यहां प्रोटॉन कम है और इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अगर प्रोटॉन कम है और इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो वो स्ट्रॉन्गली अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा, जब स्ट्रॉन्गली अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा तो साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि एनायन का साइज बड़ा होता जाता है जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, कम पावर से अट्रैक्ट होंगे, और कैटायन
चार्ज ऑन एनायन लार्जर विल बी इट्स साइज, यानी कि सबसे बड़ा क्या हो गया, नाइट्रोजन 3 नेगेटिव, फिर ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, फिर एफ नेगेटिव। कैटायन में देखो हम कह रहे हैं कि चार्ज जितना ज्यादा स्मॉलर उतना साइज, तो Na पॉजिटिव, फिर Mg2 पॉजिटिव और फिर क्या रहेगा एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। ठीक है, यहां मैंने साइन उल्टा लगा दिया गलती से, ये दिस विल बी द साइन। ठीक है, एल्यूमिनियम का साइज सबसे क्या हो जाएगा, छोटा, और नाइट्रोजन 3 नेगेटिव का चार्ज क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव 3.13, एक्सप्लेन व्हाई कैटायन इज स्मॉलर एंड एनायन लार्जर इन द साइज, ये हम एक्सप्लेन कर चुके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3.14, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म्स आइसोलेटेड गैसेस एटम एंड ग्राउंड स्टेट व्हाइल डिफाइनिंग द आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखें, इसमें से वी कैन एक्सप्लेन वन टर्म राइट नाउ, दैट इज आइसोलेटेड गैसेस एटम। ग्राउंड स्टेट को अभी हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि ग्राउंड स्टेट के लिए आपको समझना पड़ेगा पहले कि ग्राउंड स्टेट होती क्या है, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ यूनिट 2। नाउ कि आइसोलेटेड गैसेस एटम का भी क्या मतलब है, इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है। देखो, आपको याद आएगा जब आपने आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ी थी, तो आपने ऐसा कुछ कहा था कि भाई हाइड्रोजन ये दो इलेक्ट्रॉन, आप इसको क्या कराना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो, तो इसको रिमूव करने के लिए आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि दिस इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय दिस न्यूक्लियस एंड दिस न्यूक्लियस एज वेल, तो दो न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन को मिलकर खींच रहे थे, तो वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। वहां हमने क्या लिया था, आइसोलेटेड लिया था, आइसोलेटेड के भाई वो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में हो, कि एक से ज्यादा अगर हुआ तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। अब इसमें गैसियस स्टेट भी लेते हैं, गैसियस क्यों लेते हैं, क्योंकि गैसियस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना मेरे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 3.15 को हम अभी नहीं करेंगे, क्योंकि इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, ये वो हम चैप्टर नंबर 2 का पार्ट है, उसको हम वहीं डील करेंगे। कमिंग टू 3.16, अब 3.16 कहता है कि अमंग द सेकंड पीरियड एलिमेंट द एक्चुअल आयनाइजेशन एंथैल्पीज आर ऑफ द ऑर्डर, कि सेकंड पीरियड की आयनाइजेशन एंथैल्पीज का उसने हमें क्या दिया, ऑर्डर दिया। अब ऑर्डर क्या है वो देखते हैं, ऑर्डर इज बोरॉन से नहीं, वो शुरू कर रहे हैं लिथियम से, लिथियम स्मॉलर, बोरोन, बेरिलियम, उसके बाद आ रहा है मेरे पास कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड नियम। ठीक है, हमें एक्सप्लेन करना है, इसका फर्स्ट पार्ट कहता है कि बेरिलियम हैज लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी, डेल्टा आई एच लिखा हुआ है, डेल्टा आई एंथैल्पी, एंड आई मींस आयनाइजेशन, बेरिलियम इज हायर देन बोरोन। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको आयनाइजेशन एंथैल्पीज के फैक्टर्स को स्टडी करना पड़ेगा। फैक्टर्स कौन-कौन से हैं? फर्स्ट फैक्टर इज योर एटॉमिक रेडियस, सेकंड फैक्टर इज योर न्यूक्लियर चार्ज, थर्ड इज स्क्रीनिंग इफेक्ट, फोर्थ इज योर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सॉरी फोर्थ इज पेनिट्रेशन इफेक्ट, एंड फिफ्थ इज योर स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन लगता है वो तीन फैक्टर्स लगते हैं। देखिए, पहला है लेफ्ट टू राइट, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू द राइट व्हाट हैपेंस इज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, तो साइज क्या करता है, डिक्रीज, साइज डिक्रीज तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो इसके बेसिस पे अगर जाए तो लिथियम का साइज सबसे बड़ा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी सबसे कम, बात समझ आई। लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, बेरिलियम के बाद आता है बोरोन, बोरोन के बाद आता है कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, और फ्लोरीन के बाद नियॉन। लेकिन एटॉमिक रेडियस के बेसिस पर है, लेकिन देखो यहाँ वेरिएशन क्या है, यहाँ बेरिलियम पहले आना चाहिए और बोरोन बाद में, यानी कि बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम और बोरोन की ज्यादा।
p में, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन p का निकलेगा, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो s का निकलेगा। अब s और p में से s has higher penetration effect, s का penetration effect क्या है, ज़्यादा। s का penetration effect ज़्यादा होने का मतलब है कि s nucleus के ज़्यादा close है। जब s nucleus के ज़्यादा close है तो उसके ऊपर force of attraction भी ज़्यादा लगेगा। force of attraction ज़्यादा लगेगा तो उसमें से electron को निकालना क्या है, मुश्किल है, और p में से electron को निकालना आसान है, यानी कि boron की ionization enthalpy, boron की ionization enthalpy क्या है, कम है और बैरियम की ज्यादा है। तो यहाँ जो वेरिएशन आई वो किसकी वजह से आई, ये एक्सचेंज करने क्यों, ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट, क्योंकि पेनिट्रेशन इफेक्ट इज द रीजन। ठीक है, तो ये वेरिएशन तो समझ आई। अब दूसरी वेरिएशन देखो, दूसरी वेरिएशन है ये ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को अगर मुझे एक्सप्लेन करना हो तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें 1s2, 2s2, 2p3, जबकि ऑक्सीजन का कितना है 1s2, 2s2 एंड 2p4। p के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6, जबकि यहाँ कितने हैं 3। ऑक्सीजन के पास कितने हैं, p4। हम आयनाइजेशन एंथैल्पी के फैक्टर्स में ये बात कह चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है तो भी स्टेबल है, एग्जैक्टली फुल फिल्ड है तो भी वो स्टेबल है। तो इसका मतलब है p3 जो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, उसकी वजह से वो क्या है, स्टेबल है। अगर उसकी वजह से स्टेबल है तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा, जबकि ऑक्सीजन के पास क्या है, p4। p4 का मतलब है कि वो एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर दे, अगर यहाँ से आप 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दो, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, p3 में, एंड p3 क्या हो जाएगा, स्टेबल। और सारी चीजें रिएक्ट क्यों करती है, ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो यानी कि ऑक्सीजन चाहेगा वो p4 से p3 में कन्वर्ट हो जाए। p4 से p3 में कन्वर्ट होने के लिए इट विल हैव टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन, व्हेन इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ जो वेरिएशन आई, ये जो वेरिएशन आ रही है कि भाई नाइट्रोजन यहाँ, ऑक्सीजन यहाँ, इसको एक्सप्लेन अगर मुझे करना है तो ड्यू टू एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब इसी में एक और पार्ट वो कहता है कि भाई फ्लोरीन का ज्यादा है, हालांकि आने फ्लोरीन की ही ज्यादा चाहिए, लेकिन क्यों, क्योंकि फ्लोरीन का न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ज्यादा होता है। देखो इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है ना, वो कह रहा है कि ऑक्सीजन हैज लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन नाइट्रोजन। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन एग्जैक्टली स्टेबल है, हाफ फिल्ड होने की वजह से, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। फ्लोरीन के केस में फ्लोरीन और ऑक्सीजन में से फ्लोरीन का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इसलिए उसका जो है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.17, वो कहता है हाउ वुड यू एक्सप्लेन द फैक्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम बट इट्स सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज हायर देन मैग्नीशियम। ठीक है, तो देखो इसको तो एक्सप्लेन करना हमारे लिए और भी आसान है, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी के फैक्टर्स अब हमें शायद याद हो गए हैं। देखें क्या कह रहे हैं कि सोडियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है सोडियम पॉजिटिव में कन्वर्ट होना, और मैग्नीशियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है Mg पॉजिटिव में कन्वर्ट होना। अब सोडियम की सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिखूंगा, सोडियम की सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब किस में कन्वर्ट होना, Na2 पॉजिटिव, और Mg की सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब Mg2 पॉजिटिव। यू रिमेंबर ना, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। व्हाट हैपन इज, अब क्वेश्चन को देखते हैं, एटॉमिक नंबर कितना है, 11, कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, जबकि सोडियम पॉजिटिव का क्या आएगा, 1s2, 2s2, 2p6, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना है, कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा s में, क्यों, 3s का क्यों, क्योंकि सबसे बाहर वही है। क्या ये स्टेबल है, नहीं, क्या ये स्टेबल है, हाँ। अब कुछ तो सोचेंगे कि सर 3s, s एग्जैक्टली हाफ फिल्ड तो होता है, वो स्टेबल होना चाहिए, लेकिन मेरे लाल s
उसको पता है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लूज करके ज्यादा स्टेबल हूँ। मैग्नीशियम के केस में क्या है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। क्या यहाँ ये स्टेबल हो पाएगा? आंसर इज नहीं, अभी तो स्टेबल नहीं हो रहा। अगर स्टेबल नहीं हो रहा, ऊपर से ये एग्जैक्टली फुल फिल्ड है, उसके कंपैरिजन में तो ये कम स्टेबल है, तो ये इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्यों, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी इसकी, हाई। क्यों हाई हो जाएगी? बिकॉज दिस इज स्टेबल। बट Mg पॉजिटिव आने के बाद कॉन्फिगरेशन क्या आ गया, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और लूज करा दे, 1s2, 2s2, 2p6, तो ये एग्जैक्टली फुल फिल्ड आ गया। एग्जैक्टली फुल फिल्ड का मतलब है स्टेबल। अगर स्टेबल है तो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, ठीक है। जबकि यहाँ कॉन्फिगरेशन ऑलरेडी स्टेबल है, 1s2, 2s2, 2p6, दिस इज स्टेबल कॉन्फिगरेशन। और Na2 पॉजिटिव का कॉन्फिगरेशन इज 1s2, 2s2, 2p5। क्या ये स्टेबल है? नॉट स्टेबल, क्योंकि हमें पता है या तो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड स्टेबल होता है या एग्जैक्टली फुल फिल्ड स्टेबल होता है। क्योंकि ये स्टेबल नहीं है तो ये यहाँ से यहाँ कन्वर्ट नहीं होगा, तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, हाई। अब क्वेश्चन को फिर से समझो। क्वेश्चन का पहला पार्ट कहता है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम एंड फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम। सोडियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी लो है। आंसर कि भाई सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके एग्जैक्टली फुल फिल्ड होगा और स्टेबल होगा, इसलिए आसानी से लूज कर देगा। मैग्नीशियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई है, क्यों? क्योंकि वो स्टेबिलिटी की तरफ जा नहीं रहा। अब सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम फर्स्ट क्या थी, लो, लेकिन सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद स्टेबल हो गया, अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन और लूज किया तो वो स्टेबल नहीं रहेगा। तो कभी नहीं चाहेगा सोडियम कि अपनी स्टेबिलिटी को लूज करे, जबकि मैग्नीशियम की सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी लो है। इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या थी, हाई, सेकंड क्या है, लो। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दूंगा तो एग्जैक्टली फुलफिल्ड बन जाऊंगा, ठीक है। सारा खेल किसका, स्टेबिलिटी का। व्हेन यू विल गो थ्रू द आंसर्स यू विल कम टू नो के वहां पे वो लिखेगा कुछ नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। नोबल गैसेस का कॉन्फिगरेशन आप देखेंगे, नियॉन का तो वो यही होता है, और नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं करती। आप क्लास 10th में ये बात पढ़ चुके हैं कि नोबल गैसेस लेट क्यों डिस्कवर हुई थी। द रीजन वाज कि वो जो है लेट इसलिए डिस्कवर हुई थी कि उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, तो अगर वो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव कर लेंगे तो वो रिएक्ट करना बंद कर देंगे, ठीक है। मींस दे विल बिकम स्टेबल। They are coming to the next question, 3.18 we are having. The next question states, what are the various factors due to which ionization enthalpy of the main group elements tends to decrease down the group? Main group element हम किसको बोलते हैं? Main group element हम बोलते हैं S block और P block को, collective नाम है main group elements. अब down the group वो कह रहा है कि कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि भाई सीधा सा आंसर है, सीधी सी बात है कि down the group there will be increase in the size, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, और आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कमिंग टू 3.19, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज ऑफ ग्रुप 13 आर बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस डेविएशन? देखो अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है जी मैं आऊंगा डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप आने का मतलब क्या है? डाउन द ग्रुप आने का मतलब है देयर विल बी एडिशन ऑफ न्यू शेल। इफ देयर विल बी एडिशन ऑफ न्यू शेल तो आयनाइजेशन एंथैल्पी शुड डिक्रीज। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ठीक है। तो यहाँ पर जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होनी चाहिए, बोरोन क्योंकि साइज छोटा है तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा, एल्यूमिनियम की उससे कम, लेकिन एल्यूमिनियम से ज्यादा होती है गैलियम की, ठीक है। और गैलियम के बाद किसकी आती है, इंडियम और थैलियम की अप्रोक्सीमेटली सेम आती है, ठीक है। यहाँ पर वैल्यूज भी दे रखी है, थैलियम इसने तो खैर इंक्रीज कर दिया, बोरोन की 801, एल्युमिनियम 577, गैलियम इज 579। के डाउन द ग्रुप तो मैं आया, लेकिन क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होने की बजाय दो यूनिट से बढ़ गई। तो इस डेविएशन को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। इवन इंडियम के बाद थैलियम पे जब गए तो 558 से 589 हो गया। एक्चुअली में यहाँ एक बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, जब आप स्क्रीनिंग इफेक्ट को पढ़ते हैं तो वहां पर कहीं नीचे एक लाइन आपको मिलेगी कि डी एंड एफ हैज पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, कि डी और एफ का
कोई और अट्रैक्ट नहीं करवा रहा। तो आंसर है कि भाई देखो, हाइड एंड सिक एक गेम होता है। हाइड एंड सिक में एक एक बच्चा होता है जिसकी टर्न होती है, जिसको ढूंढना होता है सबको। अब समझ के देखो कि आप और मैं हाइड एंड सिक खेल रहे हैं। अब मैं छिपा हुआ हूँ, आपकी टर्न है मुझे ढूंढने की। आपने मुझे एक रूम में सर्च किया, जब तक आप उस रूम में पहुंचे मैं दूसरे रूम में पहुंच गया। जब आप दूसरे रूम में पहुंचे तो मैं तीसरे रूम में पहुंच गया। जब आप तीसरे रूम में पहुंचे तो मैं वापस पहले रूम में आ गया। मतलब आप मुझे ट्रैक नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि मैं लगातार अपनी जगह बदल रहा हूँ। एक्चुअल में डी ऑर्बिटल की शेप ऐसी होती है कि न्यूक्लियस उस शेप में इलेक्ट्रॉन कहाँ है वो नहीं ढूंढ पाता। समझ रहे मेरी बात? कि डी में डी की शेप ऐसी है कि न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करा पाता। अब न्यूक्लियस के अट्रैक्ट ना होने से इफेक्ट क्या आता है कि बोरोन का, देखो बोरोन का कॉन्फिगरेशन इज 1s2 2s2 2p1, एल्यूमिनियम 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। तो यहां पर कम होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। और साइज इंक्रीज क्यों हुआ? Due to addition of new shell. अगली बात समझ के, addition of new shell की वजह से। लेकिन आप अगर आए गैलियम पर, गैलियम का एटॉमिक नंबर 31, configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p1. अब देखो, इसके पास सिचुएशन ये है, 31 प्रोटॉन है और 31 ही इलेक्ट्रॉन है। हर एक प्रोटॉन को एक इलेक्ट्रॉन को खींचना है। अब सोच के देखो कि डी की शेप ऐसी है कि वो इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन न्यूक्लियस उस शेप में इलेक्ट्रॉन कहाँ है ये नहीं ढूंढ पाता। यानी कि जिन प्रोटॉन का काम, जिस 10 प्रोटॉन्स का काम इन डी के इलेक्ट्रॉन को खींचना था, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को खींचना है ना, तो 10 प्रोटॉन मिलकर 10 डी के इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। जिनका काम इन डी के इलेक्ट्रॉन को खींचना था, अब उनको वो डी के इलेक्ट्रॉन मिल नहीं रहे, तो वो क्या करते हैं, वो और ज्यादा पावर से 4s और 4p को, क्योंकि प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव को तो अट्रैक्ट कराएगा। तो जिनका काम इन डी के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कराना था, वो इनको ना अट्रैक्ट करा के इनके बदले 4s और 4p को अपनी तरफ अट्रैक्ट कराना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर साइज बढ़ने की बजाय साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। वैसे तो साइज बढ़ना चाहिए था, लेकिन डी ऐसा आया कि जिसका स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, पुअर है, जिसकी वजह से साइज बढ़ने की बजाय साइज छोटा हो गया। तो साइज छोटा हो गया तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो गई, बढ़ गई। लेकिन गैलियम से जब आप इंडियम पे आएंगे, इंडियम पे फिर से वही आ जाएगा कि एडिशन ऑफ न्यू शेल। और थैलियम, थैलियम इज द फर्स्ट एलिमेंट जहां पर एफ आता है, यानी कि थैलियम तक अगर आप थैलियम का पूरा कॉन्फिगरेशन लिखें तो 3d आएगा, 3d के बाद 4d आएगा, 4d के बाद 5d आएगा और 4f आएगा। डी का इफेक्ट तो यहीं से शुरू हो गया था, गैलियम न्यूक्लियस ने डी के इलेक्ट्रॉन को यहीं अट्रैक्ट कराना बंद कर दिया था। तो 3d को भी नहीं खींचेगा, 4d को भी नहीं खींचेगा, 5d को। लेकिन थैलियम के केस में पहली बार 4f आएगा, यानी कि यहां पर फिर से क्या हो जाएगा, साइज बढ़ने की बजाय क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। किसकी वजह से? ड्यू टू स्क्रीनिंग, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एफ। तो अगर साइज फिर से छोटा हो गया तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर जिसका साइज छोटा है वो बड़ी आसानी से क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कराएगा, और जिसका साइज बड़ा है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करा पाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा स्पेशल केस आता है, और वो स्पेशल केस ये है कि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है, ऑलरेडी उसका ऑर्बिटल छोटा होता है। अगर आपने उसको एक इलेक्ट्रॉन भी दे दिया ना, तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन को भी अकोमोडेट करने की जगह नहीं होती। याद करो ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, पहला इलेक्ट्रॉन आया था एलिमेंट ने अपने आप एडजस्ट किया था, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आया था तो हमें एनर्जी देनी पड़ी थी, धक्का मार के बिठाना पड़ा था बच्चे को। तो यहाँ पर बेंच ऑलरेडी छोटा है, छोटे बेंच पे ऑलरेडी 3 बच्चे हैं, तो एडिशनल एक बच्चा भी नहीं आ पाता, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है। साइज छोटा होने की वजह से वो एक इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट नहीं कराएगा, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसके ज्यादा नेगेटिव है,
ऑक्सीजन. ऐसे ही सेम रीजन मैं दूंगा फॉर फ्लोरीन एंड क्लोरीन के, भाई फ्लोरीन का साइज छोटा है जिससे कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होंगे, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी. ठीक है, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3.21, वुड यू एक्सपेक्ट द सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन एज पॉजिटिव, मोर नेगेटिव, लेस नेगेटिव देन द फर्स्ट. याद है हमें कि फर्स्ट क्या होती है नेगेटिव, सेकंड क्या होती है पॉजिटिव, थर्ड क्या होती है मोर पॉजिटिव. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव 3.23, हाउ वुड यू रिएक्ट टू द स्टेटमेंट दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन ऑन द पॉलिंग स्केल इज 3 इन ऑल द नाइट्रोजन कंपाउंड. आंसर इज नहीं. जब हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कही थी ना, तो हमने कहा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम मेजर नहीं कर सकते, वो एक पॉलिंग ने स्केल दिया है. अब डिपेंड करता है कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या कम है. जब हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस किया था, वहां पर हमने ये पॉइंट कहा था कि जैसे हमने एग्जांपल लिया था NH3, यहाँ पर नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा था जिससे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी. नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसकी वजह से यहाँ चार्ज पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा. क्यों पॉजिटिव? क्योंकि फ्लोरीन उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा. तो इस क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर है कि नहीं जी, हर एक में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 नहीं हो सकती. इट विल डिपेंड के वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, अकॉर्डिंगली वो चेंज करेगी. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द थ्योरी एसोसिएटेड विद रेडियस ऑफ एन एटम एज इट गेन एन इलेक्ट्रॉन. गेन करेगा तो साइज बड़ा होगा. एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा. ये बात हम कर चुके हैं. 3.25 आई एम कमिंग टू, वुड यू एक्सपेक्ट द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ टू आइसोटोप ऑफ द सेम एलिमेंट वुड बी सेम और डिफरेंट, जस्टिफाई योर आंसर. आंसर इज इट विल बी सेम, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी का रिलेशन होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के. अब न्यूक्लियस में प्रोटॉन है जिसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है. अब जब आइसोटॉप की बात है, जैसे कि मेरे पास हाइड्रोजन की ही मैं बात करूं, आई हैव इन द केस ऑफ हाइड्रोजन आई हैव 3 आइसोटॉप्स, एक जिसका नाम होता है प्रोटियम, एक जिसका नाम होता है ड्यूटेरियम एंड थर्ड जिसका नाम होता है ट्रिटियम. ठीक है, प्रोटियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1, यहां पर भी 1 और यहां पर भी 1, एंड सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 1. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहां पर होता है 1, यहां पर होता है 2 और यहां पर होता है 3. सॉरी मैं फिर से गलत हूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 1 एंड 1, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहां 0, यहां 1 और यहां 2. आइसोटोप में क्या होता है, मास नंबर इज डिफरेंट बट एटॉमिक नंबर इज सेम. देखो प्रोटॉन का काम इलेक्ट्रॉन को खींचना, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन. न्यूट्रॉन का तो कोई रोल है ही नहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में, क्योंकि न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल है. तो इसका मतलब है क्योंकि प्रोटॉन्स आर सेम पावर से अपनी तरफ खींचेगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज गोइंग टू बी सेम. दिस वाज माय क्वेश्चन नंबर 3.25. अब यहाँ पर इन दिस चैप्टर वी हैव 15 मोर क्वेश्चंस टू गो, बट आउट ऑफ दिस 15 आई हैव ओनली 5 मोर क्वेश्चन जो ऐसे थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन में आएंगे. दिस इज ऑल फॉर टुडे, क्योंकि इट्स ऑलरेडी क्वाइट लेंथी. बट इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल नॉट डिस्कस द प्रॉब्लम्स, वी विल स्टार्ट यूनिट नंबर 1. आई रिपीट, वी विल स्टार्ट यूनिट नंबर 1. तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चन छोड़ने वाले हैं? आंसर इज नो, अभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप 25 क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए. आफ्टर दैट वी विल कम टू अगेन 15 क्वेश्चंस एज योर रिवीजन. ठीक है, तो टिल देन प्रैक्टिस हार्ड और मन लगा के पढ़ें. हैव फुल बेनिफिट ऑफ लॉकडाउन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स एंड लीव द कमेंट वेयर एवर यू विल फील द प्रॉब्लम. यू कैन कॉल मी डायरेक्टली एज वेल. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम. ऑल द बेस्ट.